सच साहस सरोकार। बिलासपुर तिफरा के एक स्कूल में शीतकालीन अवकाश में बच्चों को अनुशासन सिखाएगी आरएसएस, शुरू होगा 9 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण। जसपुर में कम दामों में फसल बेचने को मजबूर किसान, 5 से 6 रुपए प्रति किलो में भी नहीं हो रही खरीदी। डोंगर गांव में एनएसआईयू का सदस्यता अभियान, छात्रों की समस्या को टटोलेंगे छात्र संगठन। कोरबा में राजस्व मंत्री ने जताई नाराजगी, ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने पर लगाई फटकार। वंदे भारत ट्रेन पहुंची दुर्ग रेलवे स्टेशन, कई दिग्गज नेताओं ने किया ट्रेन का स्वागत। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। कोरबा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर कहीं शिफ्ट नहीं होगा। इस बयान पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने पत्रवार्ता कर बताया कि मंत्री और उनके करीबी का जमीन बरबसपुर में है और ट्रांसपोर्ट नगर कहीं और जाने से जमीन की कीमत वहीं रहेगी। डोंगरगांव में एनएसआईयू ने सदस्यता अभियान शुरू किया, जिसमें एनएसयूआई की मेंबरशिप लॉन्च की गई। तो वहीं जिलाध्यक्ष अमर झा ने बताया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण एनएसयूआई के साथियों और छात्र छात्राओं के बीच दूरियां आ गई हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने राजधानी रायपुर में एनएसयूआई सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। आधार कार्ड का नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो और अपना मोबाइल नंबर देना है कॉलेज के छात्रों को। साथ ही एनएसयूआई ने इस वर्ष स्कूलों में भी सदस्यता अभियान लॉन्च किया, जिसमें 11वीं 12वीं के छात्रों को जोड़ा जा रहा है। वहां उन्हें अपना स्कूल का आईडी कार्ड और स्कूल का नाम वगैरह फिल करना है। आपने कितना टारगेट लिया हुआ है, कितने लोगों को जोड़ने की आपने सोचा है? राजनांदगांव जिले में कम से कम 50,000 छात्र छात्राओं को हम अपने संगठन से जोड़ने का। मुंगेरी के लोरमी थाना क्षेत्र में ग्राम जाफल में स्कूल बस और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवारों में 2 बच्ची सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें लोरमी शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बता दें कि मुंगेरी के अल्फा पब्लिक स्कूल की बस स्कूली छात्रों को लेने लोरमी आई थी, जो वापस मुंगेरी जा रही थी। इसी दौरान मुंगेरी की तरफ से आ रहे बाइक सवार बस की चपेट में आ गए। 3 अन्य लोग घायल हैं, जिनमें से 1 बच्ची और मृतिका के पति को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। जिसमें से एक महिला है, 2 बच्ची है और एक उनके पति है, महिला पति है। जिसमें से तो जो महिला थी उसका तो वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गया है, और उनकी पति की जो स्थिति है सही नहीं है, उसका हेड इंजुरी आया है, सर में चोट आई है। और जो 2 बच्ची है उसमें से 1 बच्ची जो बड़ी बच्ची है, उसका जो लेफ्ट साइड का पैर में फ्रैक्चर लग रहा है, अब वो एक्सरे से ही पता चलेगा। एक स्कूल बस मुंगेली से आई थी बच्चे लोगों के लेने, बच्चे को लेकर के झाफल की ओर जा रही थी। झाफल नहर के पास बाइक और स्कूल बस दोनों एक्सीडेंट हो गए, जिसमें मौके पर एक महिला तत्काल घटनास्थल पर ख़त्म हो गए, बाकी शेष को हॉस्पिटल भर्ती किए हैं। आरोपी घटनास्थल से फरार है, बाकी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों को 4 साल के बाद फिर से अपनी फसल को पानी के भाव पर बेचना पड़ रहा है। बता दें कि जिला में टमाटर उपज की जमीन का दाम बढ़ने के चलते थोक व्यापारी 5 से 6 रुपए प्रति किलो के भाव पर भी टमाटर की खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। फल उद्यान अधिकारी संतोष बांजरा का कहना है कि यहाँ टमाटर उत्पादन लेने वाले किसानों को फल चक्र में परिवर्तन की सलाह दी जाती है। पात है, सितंबर में टमाटर लगाए रहे तो पानी के वजह से सब हर गल गिस सड़ गिस है,
जो अभी जो लगाए हन लागत करके वहाँ के तो अभी दाम नहीं है, तो अभी कुछ हमारे ला पोसाई नहीं मिला थे, अब घाटा हो गया जाते हमारे टमाटर में। क्या लगते लागत निकला थी कि नहीं निकला पात है, हमार लागत ही नहीं निकल पात है, इतना परेशान है कि हम किसान भाई मन लागत हर नहीं पूरा पात है, हमार एकदम कम दाम होगी इससे टमाटर के। हम लोगों के यहाँ टमाटर लगाए हैं एक एकड़ दो एकड़ में, उसमें कुछ भी बहुत परेशानी हो रहा है, रेट सही दाम में नहीं मिल रहा है, कांवर में मिल रहा है 120-130 रुपया, उसमें कोई पड़ता नहीं पड़ रहा है, जितना भी लागत है उसमें लागत भी नहीं मिल रहा है, हम लोगों को बहुत परेशानी है, जितना मेहनत किए उस पर फल नहीं मिल रहा है। अभी बहुत टमाटर हम लोग के यहाँ निकल रहे हैं, वर्षा अधिक होने के कारण हम लोग पहले लगा नहीं पाए, बाद में लगाए, फिर अभी निकल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग का मेहनत का कोई फर्स्ट नहीं मिल रहा है। हमारे जसपुर ज़िले में इस वर्ष टमाटर की खेती को किसानों के द्वारा बहुत अधिक रकबे में लगाया गया है, विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक क्षेत्र में इसका बढ़ोतरी हुआ है, लगभग 6000 हेक्टेयर में किसानों द्वारा इसकी फसल को लिया गया है, जो कि काफ़ी अधिक रकबा है और उत्पादन भी उसी अनुपात में किसानों को मिल रहा है, और इसका इस वर्ष जो है टमाटर का रेट बहुत अच्छा नहीं मिलने के कारण किसान बंधुओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाहर के राज्यों में भी टमाटर का उत्पादन ये नवंबर दिसंबर के महीने में होने लगता है, इस वजह से बाहर से जो खरीददार हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, और इस समय जो टमाटर का मूल्य है वो 120 रुपया 125 रुपया कैरेट के दर से वो बेच पा रहे हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत ही अधिक नुकसान का संकेत है, बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। सरगुजा में एनजीओ चौपाल संस्था जीपीएस मशीन के माध्यम से जमीन का नाप लोगों की जमीन कम की जा रही है, वहीं ग्रामीणों से सीमांकन के बदले में शुल्क लिया जा रहा है, जिसका गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। पूरा मामला लखनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत पुटकुरा का है। समस्या ये है कि जीपीएस में नापे जाते हैं दूसर के जमीन, नाप देते हैं दूसर के, और गैर हम दूसर के नापे जमीन नाप दे मोर जमीन। कौन नाप बोले रहे? नहीं नहीं बोले रहे। कौन नाप? पिंटू। कौन है पिंटू? ही लहर सस्ता वाला है वाला। का मकसद से ऐसे करे थे? अब पर वो कोई कब्जा बने पर कब्जा बने कर बाद में पट्टा बन ही बोलते। पिंटू कौन है? पिंटू एनजीओ से तो वही लोग नाप लिए हैं, और मैं बोला जे चलो हमारी जमीन नापने तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? हमारा जमीन चोरी कर रहे हैं। कितना जमीन आपका? अरे हमारा वहाँ 5 एकड़ पट्टादार है। आपने जमीन नाप के निकाल दिए? ना है, वो जमीन को हमारा नहीं नापे हैं, कोई दूसरे आदमी नपा लिया है। जो जमीन नापने को लेकर के बात चल रही है, क्या है पूरा मामला, क्या किस प्रकार का विरोध हो रहा है यहाँ? मतलब कि वो ये ग्राम सभा मीटिंग हम लोग रखे थे, तो चर्चा हुआ कि भाई आपस में मतलब कि जीपीएस मतलब कि इंटरव्यू हो रहा है यार, तुम बोलिए ना, बोलिए। हाँ, ग्राम सभा में जाति निवास का मतलब कि जो जिनका सेटलमेंट नहीं है उस... इसमें सामाजिक समाज सेवा। अच्छा, तो यहाँ पर का पूरा तो सामाजिक सेवा से का यहाँ होते जो मन बताते बता तो सामाजिक सेवा से इतना बड़ा विरोध होते का होते बता? तो इमें किसान भाई मन ही कहें कि अपन अपन जमीन का जीपीएस कराब, कि हमारे जमीन कितना है, कितना का पट्टा बन गई से, कितना बाँची से। कि पटपुरा में जो जीपीएस चौपाल के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे चौपाल मदद कर रहा है कि लोग जो जमीन कब्जा किए हैं, जंगल जमीन को जो कब्जा किए हैं, उसको उनको दावा भरना है, और दावा भरना है तो उनको पता नहीं चल रहा है कि उनकी ज़मीन की रकबा कितनी है, तो उस रकबा को जानना चाहते हैं, तो जीपीएस से हम उसको मैपिंग करके उनको बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन की कुल रकबा इतनी है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से चलाए गए स्कूली छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना में अवैध वसूली की गई। बता दें कि मुंगेली के
जरहा गांव हाई स्कूल में छात्राओं से निशुल्क वितरण किए जाने वाले साइकिल पर प्रत्येक छात्राओं से 100 रुपए लिए गए। छात्राओं के परिजनों ने इसकी शिकायत की है। जसपुर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव अजय साहू ने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है और जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। तो सभी बच्चों लोगों को 100 रुपए लाना है करके। लेकिन आप लोग पूछें ये पैसा किस लिए लगेगा? नहीं पूछे, मतलब पूछे हैं तो सर बोले हैं द्विवेदी सर कि 100 रुपए लेकर आना है सभी बच्चे को। इसके लिए कोई रसीद वसीद दिया गया? नहीं। तो आप लोग बोले नहीं कि किस लिए पैसा? साइकिल मिला है सरकारी, उसके लिए 100 रुपए लिए थे स्कूल में। और किस लिए लिए थे बता रही हूँ कि ना ट्रैक्टर से साइकिल दूर से आए थे इसलिए 100 रुपए लिए गए। मेरे पास शिकायत आई है और उसकी मैं जांच करवाऊंगी और जांच करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की शिकायतें आई हैं? अभी तो वही साइकिल वितरण में 100 रुपया मांग करके यही शिकायत आई है। शिक्षकों द्वारा बच्चों से अवैध वसूली किया जा रहा था, मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चला तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया हूँ ताकि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है सरस्वती साइकिल योजना, जो गरीब बच्चों को वितरण किया जाता है। महासमुंद में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर मालवाहक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मालवाहक में सवार 15 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें भेज दिया गया। जांजगीर चांपा में पुलिस ने 9,40,000 रुपए और कई फर्जी सील के साथ युवक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपी युवक से कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी को की सील भी पुलिस ने बरामद की है। साथ ही आरोपी युवक के पास सील लगे कई आवेदन पत्र भी मिले हैं। आरोपी युवक का नाम सम्राट दिवाकर है, जो कोरबा क्षेत्र के ग्राम सेमीपाली का रहने वाला है। कुछ ऐसे भी दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये प्रमाणित होता है कि ये नौकरी लगाने के नाम पे लोगों से पैसा लिया है। और सूचना पर उसने घेराबंदी करके एक आरोपी को पकड़ा है, मूलतः कोरबा का रहने वाला है और विगत कुछ समय से खरौद में भी रहा है वो। और उसके पास से 9,40,000 कैश मिला है, एक गाड़ी मिली है, कई सारे सील मिले हैं जो कोरबा जिले रायपुर जिले से। दुर्ग में वंदे भारत ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्वागत के लिए भाजपा के नेता सरोज पांडे, राज्यसभा सदस्य विजय बघेल और सांसद लाभ चंदा बाफना समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, तो वहीं पूरे उत्साह से ट्रेन का स्वागत किया गया। कोरबा में उचित मूल्य की दुकान पर स्थानीय लोगों ने संचालक को ही दुकान में बंद कर ताला लगा दिया और सड़क जाम कर हंगामा किया, तो वहीं लोगों का कहना है कि 2 महीने से राशन मिलने में परेशानी हो रही है, दुकानदार हमेशा लाइन में लगकर राशन देने में आनाकानी करते हैं। वहीं दुकानदार का कहना है कि लिंक में गड़बड़ी के कारण वितरण में परेशानी आ रही है। 29 वार्ड है यहाँ पे, हम लोगों राशन लेने के लिए आते हैं बहुत सारे। एक तो पहले पद्धति ये बंद करना चाहिए कि वो सारे राशन कार्ड जमा कर लेते हैं, उसके बाद में वो राशन बांटने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि 9 बजे आना, 9 बजे आने के बाद भी फिर दूसरे दिन आना। अब हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग भी अपनी ड्यूटी करते हैं, 200 रुपये रोजी हम लोग का चले जाता है, उसके बाद भी राशन नहीं मिलता हम लोग को। फिर बोलेंगे दूसरे दिन आना, दूसरे दिन देंगे, ऐसे करके राशन नहीं दिया जाता, हमारा नुकसान की भरपाई कौन करेगा बता जा रहा है। पिछले एक महीने से राशन कार्डधारी बहुत परेशान हो रहे हैं, चूँकि पौड़ी बाहर में श्रमिक लोग ज़्यादा है, मजदूरी करने वाले ज़्यादा है, उनको रोज़ सुबह शाम घुमाया जा रहा है, राशन सही ढंग से वितरण नहीं किया जा रहा है, खाद्य अधिकारी को फ़ोन लगाने से खाद्य अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, इंस्पेक्टर को ये नहीं मालूम अभी की दुकान कहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, राशन दुकान में अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी और एक दिन में क्या है ज़्यादा राशन कार्ड वितरण हो नहीं पा रहे हैं, इस वजह से क्या है लोगों ने आक्रोश दिखाया था और यहाँ चक्का जाम किया हुआ था, जिसमें आकर लोगों को समझाइश दिया गया। और कोरबा के
के ग्राम रिसदी में जीवन रक्षक टीका लगाने से एक बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को आंगनबाड़ी में टीका लगवाने ले जाया गया था, जहां उसे टीका लगाया गया। बाद में बच्चे को बुखार आ गया और बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजनों ने हंगामा मचा दिया, जिसे प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया। पति इसने मजदूरी, बच्चे कितने माह में? आज 1.5 साल, 1.5 महीना। क्या नाम है बच्चे का? हर्षित। कितने बच्चे? ये तीसरा है। हा? तीसरा। और क्या क्या है आपके? दो लड़की हैं, ये लड़का था। कितने उम्र के हैं बच्चे लोग? बच्चे एक 14 साल का है, एक 10। कहाँ है वो? इसको टीका लगा है कल। क्या टीका लगी? 3 टीका। अच्छा, कब लगना रही? सो टीका ला 1.5 महीने के बाद लगना रही। से कितना दिन बाद होते? 1.5 महीना पूरा। आज 1.5 महीना हुआ था, लेकिन कल लग गए टीका। कहाँ लगवाया? एक साथ 3 टीका लगे आंगनबाड़ी केंद्र में। तो का तुम उनके कार रुपये कहाँ आया? तुम तुमने आज कहाँ आया? कलेक्टर का कर आया है। कोरबा में ग्राम कोथारी के पास हुए हादसे में एक वृद्धा की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। बता दें कि दोनों मानिकपुर से स्कूटी में सवार होकर चांपा स्थित मंडवा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पिकअप वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कोरबा के उचित मूल की दुकान पर स्थानीय लोगों ने दुकान संचालक को ही दुकान में बंद कर दिया और सड़क पर जाम कर हंगामा किया, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि 2 महीने से राशन मिलने में परेशानी हो रही थी। तो वहीं दुकानदार लाइन में लगकर राशन देने में आनाकानी कर रहा था। वहीं दुकानदार का कहना है कि लिंक में गड़बड़ी के कारण वितरण में परेशानी आ रही है। 29 वार्ड है, यहाँ पे हम लोग राशन लेने के लिए आते हैं बहुत सारे। एक तो पहले पद्धति ये बंद करना चाहिए कि वो सारे राशन कार्ड जमा कर लेते हैं, उसके बाद में वो राशन बांटने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि 9 बजे आना। 9 बजे आने के बाद भी फिर दूसरे दिन आना। अब हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग भी अपनी ड्यूटी करते हैं, 200 रुपये रोजी हम लोग का चले जाता है, उसके बाद भी राशन नहीं मिलता हम लोग को। फिर बोलेंगे दूसरे दिन आना, दूसरे दिन देंगे, ऐसे करके राशन नहीं दिया जाता। हमारा नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बता जा रहा है पिछले 1 महीने से राशन कार्डधारी बहुत परेशान हो रहे हैं, चूँकि पौड़ी बाहर में श्रमिक लोग ज़्यादा है, मजदूरी करने वाले ज़्यादा है, उनको रोज़ सुबह शाम घुमाया जा रहा है, राशन सही ढंग से वितरण नहीं किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी को फ़ोन लगाने से खाद्य अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इंस्पेक्टर को ये नहीं मालूम अभी की दुकान कहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, राशन दुकान में अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, और एक दिन में क्या है ज़्यादा राशन कार्ड वितरण हो नहीं पा रहे हैं। इस वजह से क्या है, लोगों ने आक्रोश दिखाया था और यहाँ चक्का जाम किया हुआ था, जिसमें आकर लोगों को समझाइश दिया गया और धीरे धीरे व्यवस्था को सुधार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।